गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस चैप्टर टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू व्यू के कोर्स में कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेट ऑफ इन इंडिया आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास एक मूल्यांकन या एक अवलोकन ये आपका दूसरा चैप्टर है इसको आज, आज हम टेकअप करेंगे सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की भारतीय इतिहास सभ्यता और संस्कृति का अवलोकन करना बहुत महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है क्योंकि भारतवर्ष का इतिहास बहुत लंबा इतिहास रहा है यहाँ पर जो सभ्यता है सभ्यता के विकास की लंबी कहानियाँ रही हैं फिर भी हम अगर भारतीय इतिहास के अवलोकन की बात करें भारतीय सभ्यता के अवलोकन की बात करें तो भारतीय सभ्यता वासुदेव कुटुम्बकम के कंसेप्ट पर आधारित है डॉक्टर आर के मुखर्जी ने कहा है भारतीय सभ्यता संसार की अन्य सभ्यताओं से अधिक प्राचीन व प्राणवान है भारतीय सभ्यता में उदारता सहिष्णुता लोचशीलता ग्रहणशीलता निरंतरता विविधता सांप्रदायिक सौहार्द सहिष्णुता इस प्रकार के कई गुण और विशेषताएं विद्यमान रही है भारतीय इतिहास पाषाण काल से लेकर के आधुनिक समय तक विभिन्न चरणों से गुजरा है और पाठकों की सुविधा के लिए अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है वर्तमान समय में भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास तीन खंडों में विभक्त किया गया है लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इसे एंशंट हिंदू मिडेवल इस्लामिक और मॉडर्न ब्रिटिश रूल के रूप में भी पढ़ाया गया है उस तरह से उसे विभाजित किया गया था लेकिन सबसे उपयुक्त जो आज का विभाजन है जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास ये सबसे उपयुक्त जो है वो इतिहास का विभाजन जान पड़ता है इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण चीजों को कवर करेंगे सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे भारतीय संस्कृति का और उसके पश्चात जो हमारे पास स्रोत हैं उन स्रोतों का भी हम अवलोकन करेंगे जिससे कि भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उनका भी हम अवलोकन करेंगे सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति की विशेषता पहली विशेषता है प्राचीनता तथा अविच्छिन्नता मिटती नहीं है हस्ती हमारी कुछ बात है इस तथ्य को अगर हम अवलोकित करें तो हमारी संस्कृति की सबसे प्रमुख और अहम विशेषता जो है वो है प्राचीनता यानी भीम वेट का पूरा पाषाण काल की गुफाओं में शैल चित्र निर्मित किए गए थे और आज भी वो विद्यमान है पाषाण काल और उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता भारत की रही है उसका हम अवलोकन करें उन सभ्यताओं के अंदर उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर जो तत्व विद्यमान थे जो सांस्कृतिक विशेषता विद्यमान थी वो प्राचीन विशेषताएं आज भी निरंतर अविक्छित है अर्थात हमारे लाइफ की इंटीग्रल जो है वो विशेषताएं हैं प्राचीनता की अगर हम बात करें तो भारतीय जो संस्कृति हैं वो रोम और ग्रीक सभ्यता से के बाद और बेबीलोन तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन ही है यहाँ की संस्कृति प्राचीन संस्कृति होने के साथ साथ निरंतर मानव जीवन के पहलुओं का अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुई है यहाँ यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति विविधता की संस्कृति रही है यहाँ पर उदारता और विशेष करके सहिष्णुता जैसे गुण विद्यमान रहे हैं जिसके कारण यह संस्कृति फली फूले दूसरा है संयुक्त परिवार व्यवस्था तथा नातेदारी एसल नागरी प्रमुख इतिहासकार का मत है कि संयुक्त व्यवस्था भारतीय संस्कृति की पहचान है भारत के किसी भी भाग में हम जाते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कहीं पर भी सभी जगह संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है विद्यमान रही है और जो किनशिप है नातेदारी है वो भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग रहा है भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग रहा है अर्थात हमारे यहाँ जो क्लोज रिलेशंस हैं ब्लड रिलेशंस जिसको आप कहते हैं वो नातेदारी में काउंट किए जाते हैं और वो हमारी संस्कृति का आधार माना गया है नेक्स्ट है निरंतरता कॉन्टिन्यूटी एक श्लोक के माध्यम से इसका उल्लेख किया जा सकता है सरला सरसा संस्कृत वाणी जयति मंगला संस्कृत वाणी वेद हिमाद्रिश चिरंत वहंती बिमला गंगा कल्याणी अर्थात यहाँ पर कंटिन्यूटी है निरंतरता है भारतीय संस्कृति में यद्यपि यह श्लोक संस्कृत वाणी के लिए उपयुक्त किया गया है लेकिन यहाँ पर हम इसको अपनी संस्कृति के रूप में भी देख सकते हैं जिस प्रकार हिमालय से सदा बहने वाली नदियाँ हैं उसी तरह से सदाबहार संस्कृति यहाँ पर रही है निरंतरता भारतीय कल्चर में रहा है भारतीय संस्कृति में रहा है अर्थात जो अवशेष हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं नगरीय सभ्यता के तत्कालीन संस्कृति के वो प्रमाण आज भी विद्यमान है सूर्य की आराधना करना जल की आराधना करना पर्वत की आराधना करना प्राकृतिक वस्तुओं की आराधना करना अलौकिक शक्तियों की आराधना करना ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग सिंधु सभ्यता के दौरान भी था हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी था और आज भी ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना है अर्थात हमारी जो संस्कृति है वो कंटिन्यूटी में है निरंतरता में है नेक्स्ट है लोचशीलता फ्लैक्सीबिलिटी भारतीय संस्कृति का सबसे अहम और महत्वपूर्ण बिंदु अगर माना जाए तो वो है यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी लोचशीलता यहाँ पर कई विदेशी आक्रंता भी आए शक भी आए कुषाण भी आए हुन भी आए अरब भी आए तुर्क भी आए मुगल्स भी आए और इसके साथ साथ अंग्रेज भी आए यहाँ पर अपनी संस्कृति को वो अपने साथ लाए लेकिन भारतीय संस्कृति की जो लोचशीलता है फ्लेक्सिबिलिटी है उसको देखते हुए वो भी इस संस्कृति में समाहित हो गए वो भी इस संस्कृति में असेंबल हो गए और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया और भारतीय संस्कृति ने जो उनकी संस्कृति के कुछ अच्छे अवशेष थे उनके संस्कृति के कुछ अच्छे गुण थे उनको अपनी संस्कृति में आत्मसात कर लिया तो ये लोचशीलता है जिसके कारण ही भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है नेक्स्ट है सांप्रदायिक सौहार्द और सहिष्णुता अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय हैं अर्थात हम ये कहें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी एंग्लो इंडियंस बहुत सारे संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहे हैं और परस्पर सौहार्द से रहे यहाँ पर ईद होली ईसा मसीह का जन्म दिवस ये सब मिलकर के ही एक दूसरे के संप्रदाय को बधाई देते हुए मनाए जाते हैं अर्थात विभिन्न संप्रदाय होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति सहिष्णुता का परिचय देती है परस्पर सभी संप्रदाय प्रेम से रहते हैं सौहार्द से रहते हैं यह भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो समुदाय हैं जो संप्रदाय हैं वो परस्पर जो है वो सही से रहते हैं ये एक महत्वपूर्ण अनूठी विशेषता भारतीय संस्कृति की रही है यहाँ पर समय समय पर जो राजवंश रहे उन्होंने विभिन्न संप्रदाय को संरक्षण भी प्रदान किया अगर हम संप्रदाय की ही बात करें तो हिंदू जो विशेष करके कम्युनिटी है उसके अंदर भी विभिन्न और असंख्य संप्रदाय है यहाँ पर वैष्णववाद अलग हैं शैव मत अलग हैं कल्ट अलग हैं और इसके साथ साथ नाथपंथी अलग हैं घोरी अलग है कई संप्रदाय हैं और इसी तरह से जो इस्लामिक संप्रदाय हैं उसके अंदर भी अलग अलग जो है वो सेक्ट्स से बने हुए सूहावर्दी अलग है इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो आ, अलग जो संप्रदाय हैं, चिश्ती संप्रदाय हैं, ये महत्वपूर्ण संप्रदाय होने के बावजूद भी परस्पर जो है सहिष्णुता से रहते आ रहे हैं हजारों सालों से। Next है भारतीय संस्कृति में खुलापन तथा ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति संकुचित नहीं है संकीर्ण नहीं है भारतीय संस्कृति में खुलापन है ओपननेस है अर्थात आक्रमणकारी आए कुषाण आए शक आए इन्होंने भारत पर आक्रमण किए और भी आए और उनकी संस्कृति को भी भारतीय ने जो अच्छी चीजें थी वो ग्रहण की और अपनी संस्कृति में जो है वो ग्रहणशीलता को सदैव बनाए रखा ग्रहणशीलता को प्रमुखता प्रदान की अर्थात रिजिडिटी नहीं रखी तो नहीं रखी इस यही एक महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पर जो विदेशी संस्कृतियाँ आई विदेशी संस्कृतियों का जो प्रभाव रहा कुछ समय तक लेकिन उस प्रभाव को भी भारतीय संस्कृत, संस्कृति में आत्मसात कर लिया यह उसकी ग्रहणशीलता के कारण ही संभव हो पाया था आप दक्षिण भारत के या भारतीय मंदिर को अगर आप देखेंगे तो मंदिरों में जो काम सूत्र के कई ऐसे दृश्य हैं जो जिनको जो चित्रांकन किया गया है जिनको उकेरा गया है अर्थात हमारी जो संस्कृति है वो रिजिडिटी नहीं है नैरो माइंडेडनेस के ऊपर जो है वो नहीं है यहाँ पर जो है वो खुलापन सदैव से रहा है भारतीय संस्कृति में और ग्रहण करने की जो क्षमता है वो एक महत्वपूर्ण जो पहलू भारतीय संस्कृति का रहा है नेक्स्ट है आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का समन्वय भारत में स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म इन दोनों का अनूठा मिश्रण है समन्वयन है कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर जीवन को चार अलग अलग अवस्थाओं में विभक्त किया गया जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया एक से पच्चीस वर्ष तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा अर्जित करने के लिए पच्चीस से पचास वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम अपने ग्रह के जो कर्तव्य है जो जीवन का कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए उसके पश्चात बान प्रस्थ आश्रम और अंततः संन्यास आश्रम अर्थात जीवन को अलग अलग जो है वो अवस्था में बांटा गया था इसमें जो विशेष रूप से हमारे पास बान प्रस्थ है और लास्ट में जो संन्यास आश्रम है इसमें आध्यात्मिकता पर जो है वो महत्वपूर्ण बल दिया गया था इसके अतिरिक्त जो चार महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है काम क्रोध लोभ और मोक्ष ये चार जो महत्व काम क्रोध लोभ यानी अर्थ और मोक्ष ये चार जो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है इसमें दो पुरुषार्थ जो आध्यात्मिकता को अंकित करते हैं इसमें जो हमारे पास मोक्ष है मोक्ष एक ऐसा जो पहलू है जिसमें कि आध्यात्मिकता के ऊपर बल दिया गया है लेकिन जो काम और अर्थ है ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें कि भौतिकता पर जो है वो बल दिया गया है अर्थात पर आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वयन भारतीय संस्कृति में रहा है। गतिविधियां हैं उनका समन्वय स्थापित रहा है इस संसार से जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनका सही संचालन करने के लिए साथ में शास्त्रों में वेदों में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर आपने अगले जन्म में अच्छा जीवन प्राप्त करना है मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको इस संसार में धर्म के अनुसार नियम के अनुसार जो वो कार्य करना होगा अर्थात ऐहिक और पारलौकिक दोनों का कम्बिनेशन यहाँ पर रहा है और आध्यात्मिक और भौतिकतावाद का भी पर जो है वो कम्बिनेशन या समन्वयन यहाँ पर रहा है ये हमारी संस्कृति की एक अनूठी विशेषता मानी जा सकती है नेक्स्ट है विविधता में एकता यूनिटी इनटू टू डाइवर्सिटी इसके विषय में आप बहुत अध्ययन कर चुके हैं आपकी जानकारी के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर अलग संस्कृति का विकास हुआ और यहाँ पर इतनी विविधताएं हैं संस्कृति में पहनावे में भाषा में खान पान में रीति रिवाज में कि भारत को एक अलग उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है जहाँ यहाँ भौगोलिक विषमताएं हैं भौगोलिक विविधताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ साथ साथ सांस्कृतिक विविधताएं भी विद्यमान रही है नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर अलग कल्चर जो है प्राप्त होगा आप पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी आप उत्तर भारत में अलग संस्कृति को प्राप्त करेंगे दक्षिण भारत में जो है वो अलग संस्कृति के पहलू प्राप्त करेंगे अर्थात विविधता में यहाँ होने के बावजूद भी एकता स्थापित है अर्थात हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएँ अवश्य हैं लेकिन वास्तविक मूल और वास्तविक जो मंत्र है वो वास्तविक कंसेप्ट एक है अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनिटी इन टू डाइवर्सिटी कल्चर की डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की डाइवर्सिटी यहाँ पर है ड्रेस की डाइवर्सिटी यहाँ पर है बट आफ्टर ऑल वी आर ऑल द सेम ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री नेक्स्ट है समानता व कल्याणकारी अष्टादश अठादशराणेश व्यास वचन दरोपकार पुण्याय पापाय परपीड़ना अठारह पुराणों में व्यास ने केवल दो ही वचन कहे हैं, यानी दो ही वचनों को महत्वपूर्ण माना है परोपकार की भलाई करना परोपकार करना ही पुण्य है पापाय पर पीड़नम अर्थात दूसरों को पीड़ा देना पाप है भारतीय संस्कृति कल्याणकारी संस्कृति है समानता पर आधारित संस्कृति है इससे यह पुष्ट होता है कि हमारे वेदों में शास्त्रों में पुराणों में इस चीज का उल्लेख प्राचीन काल से ही किया गया है और उन गुणों को भारतीय संस्कृति में आत्मसात भी कर लिया है अर्थात यहाँ पर प्राचीन समय से ही नारी को महत्वपूर्ण तो स्थान प्रदान किया गया प्राचीन समय से ही जो वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की गई आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई अर्थात लोक कल्याणकारी संस्था स्थापित की गई और जो राज्य स्थापित हुए राज्य भी कल्याणकारी विचार के आधार पर जो स्थापित हुए थे अर्थात राज्य को भी लोक कल्याण कार्य करने के लिए स्थापित किए गए थे यहाँ पर अशोक जैसे जो है महत्वपूर्ण शासक रहे जिन्होंने लोक कल्याण कार्य में महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी थी लोक कल्याण कार्य को अपनाया था नेक्स्ट है प्रकृति प्रेम भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृति के साथ जुड़ी हुई संस्कृति मानी जाती है अर्थात भारतीय संस्कृति का प्रकृति के साथ अटूट संबंध रहा है यहाँ पर वनस्पति की पूजा होती है जल की पूजा होती है यहाँ पर नक्षत्रों ग्रहों की पूजा होती है प्राकृतिक अलौकिक वस्तुओं की पूजा होती है दिव्य शक्तियों की पूजा होती है पशुओं की पूजा होती है पक्षियों की पूजा होती है अर्थात जो यहाँ पर प्राकृतिक प्रेम है वो निरंतर सदैव प्राचीन समय से ही रहा है यह भारतीय संस्कृति का एक अनूठा विषय आप कह सकते हैं या अनूठी विशेषता मानी जा सकती है यहाँ पर जो हमारे वेद शास्त्र है उसके अंदर नदियों को जो है वो स्तुति के लिए कई श्लोक दिए गए हैं यहाँ पर जो चंद्रमा है सूर्य है उनकी स्तुति के लिए भी विभिन्न प्रकार के श्लोक दिए गए अर्थात भारतीय संस्कृति को प्राचीन समय से ही इस बात का ज्ञान था कि जो प्राकृतिक नियामते हैं वो जीवनदाय है प्राणदायिनी है वायु की पूजा की गई क्योंकि वायु के बिना मनुष्य का जीवन जीवित रहना संभव नहीं था जल की आराधना की गई क्योंकि जल के बिना मनुष्य जीवन निरर्थक है इसी तरह से सूर्य की आराधना की गई क्योंकि सूर्य के बिना धरती का अस्तित्व तो संभव नहीं था इसलिए प्रकृति के साथ प्रेम प्रदर्शित करने के लिए भारतीय जो संस्कृति है उसमें अनूठी विशेषताओं का समावेशन किया गया सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक आज जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ एक्सप्लेन द मेन